शूट करेगी, खुद को ही सलूट करेगी। कभी जेंटल है कभी जेंटल है, यू मूड बदलती है सच्ची के भाई लोग की होगी अब तो पेशी पेशी। हाँ, नए थाने बदली हुई है। नहीं मासी, थाना तो पुराना सा है, बदली नहीं है। अच्छा लिखे रेसिपी, 1 किलो करेले मौजूद मकाम, बहालत ताजा, तेज धार आले की जरब शदीद से उनका शिकम फाड़ना है। हाँ नहीं नहीं मजी साहब बहुत खुश हैं। क्या साहब जी, मासी मैं तुझे बाद में फोन करती हूँ। कहाँ है साहब जी? बाहर हैं जी, साहब ने मुझ पे शूशू कर दिया, लाओ। देखें जी साहब जी कितने खुश हैं। बताओ मामा को जरा। सीधी तरह कहना, तुझसे बच्चा नहीं संभाला जा रहा। मैडम जी मेरी तरक्की करानी है आपने, SHG साहब बहुत सख्त हैं, उनको साहब जी का पता ना चले। मैंने बड़ी दुआएं की थी कोई अच्छी मुहर्रर आए, पर आप आ गई। मेरा मतलब है फिर आप आ गई। हेलो सुरैया भोचाली। अबे सुरैया भोपाली नहीं, सुरैया भोचाली, खबरदार तो दोबारा फोन किया। बचपन में मुझे इतना गुस्सा आता था जिसकी वजह से मेरा नाम सुरैया भोचाली रख दिया गया। वो जी मेरा मोबाइल गुम हो गया। पकड़ो इसे। बच्चा संभालना आता नहीं, आ जाता है रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए। अगर ये फिर रोया ना तो तुझे नक्शे अमन में दफा 751 के तहत बंद कर दूंगी। और मौला बख्श तुम पे तो बेरहमी का केस बनता है। क्यों जी? बच्चा रो रहा है और तुम उसे चुप नहीं करा रहे हो। चलो बंदर बन के दिखाओ उसे। वो जी मेरा मोबाइल, वो जी मेरा मोबाइल। तुमने हमें फारिग समझा हुआ है क्या जो हम मोबाइलों की FIR दर्ज करते फिरे? अब तुम्हारा मोबाइल भी हम आके संभालेंगे। मैडम मैडम जी मैडम 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 सुरैया भोपाली साहबा। सुरैया भोपाली नहीं, सुरैया भोचाली। ओ जी SHG साहब आ रही हैं, बच्चे को कहीं छुपा लें, बच्चा दफ्तर लाने पर भी बदली कर देती हैं वो। क्या सची साहबा, ये नई मुहर्रर हैं सुरैया भोपाली। अब भोचाली थाने में भोंचाल नहीं, भोंचाली है ये। गुड, बोलना नहीं। सुरैया भोपाली मेरा मतलब है भोचाली, किसी को नहीं खुद को कह रही है। हाँ जी। हेलो फोन शरबतों का तुम। यस आप आकिफ है ना? कसम खाएं क्या वो ही है? आप बार बार मुझे फोन क्यों करती हैं? मैं आपकी बड़ी फैन हूँ। वो जी क्या तकलीफ है? मतलब वो जी मेरा मोबाइल चोरी हुआ है। तेरी छितरौल होने वाली है, चल दबो। क्या जी, आपको नहीं कहा? क्या मुसीबत है यार। हेलो घास पे टहल रहे, तेरे बाप की है। घास से बाहर निकल। क्या मैं तुझे नजर आ रहा हूँ? अब मैं, आप तो मुझे हर वक्त नजर आते हैं जी। वो जी 1000 ले ले मेरा फोन, मैं तेरा सब फाड़ दूंगी। क्या ये फैंस लड़कियां तो मुझे पागल कर देंगी। क्या सरे आम फो सरकार, मैंने तो कुछ नहीं किया। उधर देख उधर। छापा उन लो, तूने क्यों उठा दिया इसे? चला के इसे सुला, वरना तुझ पर बहुत दफा लगाऊंगी कि हर कोई तुझे रफा दफा कर देगा।
जी जी बताइए क्या मसला है, अपना कोई नया गाना हम पर टेस्ट करना है। वो जी मुझे पागल किस्म की फैन के फोन आते हैं, मुझे उससे बड़ा डर लगता है। डरना नहीं, अब ऐसी कोई भी कॉल आए तो हमें इतला दें। ओके थैंक यू जी। कौन? मैं आपकी फैन, दिल चाहता है आप चुप करके बैठे हो और मैं सामने बैठ के देखती रहूं। फैन आप मेरे गानों की हो और आप जाती हो कि मैं चुप करके आपके सामने बैठा रहूं। मैं भी पागल हूँ। आप पागल हैं? हेलो, क्या मैं तुम्हें ना मिला तो तुम खुदकशी कर लोगी? तो कर लो। क्या पहले मुझे मार के फिर खुदकशी करोगी? ओहो। हेलो, वो जी फोन पे मुझे धमकियां दे रही है। ये बात आप मुझे बता चुके हैं, आप उसे बुलाओ, बाकी मुझ पे छोड़ दो। फोन ही बिजी कर लिया उसने। क्या तुम पहले कत्ल कर चुकी हो? देखो तुम चाहती क्या हो, मुझे मिलना चाहती हो? मैं तुम्हें मिलना नहीं चाहता। ओह, ऐसा चीज तो कह रही थी कि मैं इसे बुलाऊं। हेलो, मेरा फोन ना बंद करना। बोलो जी। मुझे मिलना चाहती हो? हाँ, हाँ। क्या? आज 3 बजे मिलने आ जाऊं? सच्ची में? तुझे तो कार्य सरकार में मदाखलत पर दफा। चल इसे चुप करा, जाओ। जी हाँ आतिफ हसन साहब, क्या वो 3 बजे आपके घर आ रही है? मस्त है भाई, इजी हो जाएं आप। मिस्टर खान जरा आइएगा। जी साहबा, सब अंडर कंट्रोल है, सारा दिन गुजर गया, थाने में एक जुर्म नहीं हुआ। थाने के बाहर भी जुर्म कंट्रोल कर लिया करो। आतिफ हसन को जानते हो? वो सिंगर, वो हम दोनों एक ही उस्ताद है। अगर मैं पुलिस में ना होता तो आज मैं भी उतने मशहूर सिंगर होता। मगर वो तो कहते हैं कि उनका कोई उस्ताद नहीं। मेरा भी कोई उस्ताद नहीं है, वो तो बस इंटरव्यू के लिए एक दो नाम बनाए रखे होते हैं। उनको किसी फैन के धमकिया में फोन आ रहे हैं, 3 बजे वो पागल फैन उनके घर पहुंच जाएगी। तुम उनके फार्म हाउस के गेट खुफिया अहल का तैनात कर देना, मैं 3 बजे पहुंच जाऊंगी। ऑलराइट मैडम, शॉर्ट लीव चाहिए? नहीं मिल सकती, 3 बजे हमें रेड करे जाना है। क्या सुबह ये 3 बजे थे? अब मतलब परसों 3 बजे रेड कर लेते हैं, आज बहुत जरूरी काम है। मैं मुजरिमों से रिक्वेस्ट कर लेती हूँ कि आज छुट्टी करें, कल क्राइम करें, क्योंकि आज दिलशाद भी बिजी है। क्या जरूरी काम है? जी वो जरूरी काम, वो हाँ याद आया, मेरी खाला अस्पताल है, उसे देखने जा रही हूँ, बहुत सीरियस बीमार है मेरी खाला। तुम्हारे मेकअप से लग रहा है कि बहुत सीरियस बीमारी है। जी वो मेकअप के बगैर जाओ तो मरीज समझता है वो बचेगा ही नहीं। रेड की तैयारी करो। मतलब बाद ये मौका मिला है। एसएचजी साहबा, दरअसल मुझे याद आया, मेरी खाला को खून की बहुत ज़रूरत है, मैं ब्लड देने जा रही हूँ। क्या हुआ है खाला को? किसकी खाला को? हाँ याद आया, मेरी खाला को, बहुत बीमार है वो। कौन सा ब्लड ग्रुप है? मेरी खाला का? हाँ ABC। नहीं 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 नहीं, सिर्फ AB। खाला पॉजिटिव है या तुम्हारी तरह नेगेटिव है? जी वो AB पॉजिटिव। ठीक है। दूरी सही जाए ना, सही जाए ना। हट जाओ आप नीचे, लेट जाए लेट जाए लेट जाए। मलबक्स सेंसर चेक करो, कोई क्रेजी फैन इधर उधर तो नहीं? आप कौन लोग हैं, मुझे क्यों मारना चाहते हैं? इंस्पेक्टर खान मोहम्मद मलक आपकी सिक्योरिटी पर हैं। मशहूर सिंगर काका राई इसी तरह मरा था, बैठा गा रहा था, गोली आई, मर गया। उसने ठुमरी छेड़ी थी कि गोली छेड़ने से बाद नहीं आता था,
जहाँ ठुमरी नजर आई छेड़ दी। आप पुलिस वाले हैं, मुझे डरा क्यों रहे हैं? आपको पता है कि आपकी जान को कितना खतरा है? चारों तरफ से गोली आके लग सकती है। उधर देखे, उधर से भी गोली आ सकती है, उधर से भी गोली आ सकती है। इसी तरह एक अमरीकी सिंगर लॉन में कुर्सी पे बैठा गाना गा रहा था, फैन आई, पर्स खोला, छुरी निकाली और वार कर दिया जू करके। क्या? खड़े रहो, लेट जाओ, लेट जाओ, लेट जाओ, लेट जाओ। चलो शाबे, शाबे, थोड़ा। अब आप ऐसे करें, इसके नीचे लेट जाएं, हम बाहर जाकर क्रेजी फैन पे नजर रखते हैं, ठीक है? फॉलो मी। खड़े नहीं होना, नीचे लेटना है, खिड़की से गोली आके लग सकती है। लेटो लेटो, जल्दी जल्दी, ओके, शाबाश, जाओ जाओ जाओ, वेरी गुड, हाँ ठीक है ठीक है। पिछला थाना ही अच्छा था, इतने केस आते थे, घर का सारा काम हो जाता था, कोई आटा गूंद देता था, कोई सालन बना देता था। यहाँ तो कोई केस ही नहीं आ रहा, लगता है गुजारा मुश्किल ही होगा। मैडम सुरैया भोपाली। भोचाली, अब तूने अगर मेरा नाम बिगाड़ा ना तो तुझे 300 तो के तहत बंद करवा दूंगी। वैसे किसकी शादी में जा रही है? अल्लाह आपकी जुबान मुबारक करे, उनको मैं पसंद आ जाऊं फिर सत्ती खैरा। हाँ भाई, क्या हो रहा है? मैं आटा तो नहीं गूंद रही थी, मैं तो मस्त है भाई। ओ दिलशाद, तो मेरे साथ चलो, मेरा भी ब्लड ग्रुप वही है जो तुम्हारी खाला का है। मेरी खाला का? कौन सी खाला का? हाँ वो खाला। हाँ आ जाओ, ब्लड देना तो बहुत अच्छा काम है, लेट्स गो। आओ आओ आओ। अस्सलाम वालेकुम जी, ये ब्लड डोनेशन के लिए आई हैं। क्या? मैंने तो कभी ब्लड नहीं दिया। कोई बात नहीं, ज्यादा ले लो ताकि पिछली कसर भी निकल जाए, ले लो भाई। नहीं, मेरी खाला तो दाखिल नहीं है। कोई बात नहीं, ब्लड डोनेट करना तो बहुत अच्छा काम है। हाँ ले लो भाई, माशाल्लाह बहुत सेहतमंद है, बेशक दो बोतलें ले लो, किसी की खाला को लगा देना। चलो चलो चलो, आ जाओ। ऐसे जी ज्यादा, मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरे ब्लड ग्रुप कौन से है। लेने वालों को पता है। तुम ब्लड देकर आ जाना, मुझे रेड पर जाना है। ओए बस करो, मेरा सारा खून निकालोगे, मुझे नहीं देना ब्लड स्लेट। देना है देना है। आकिब साहब कहाँ हैं आप? मैं यहाँ हूँ। ओह, मुझे तो पता चला था कि आप गैर शादीशुदा हैं। फिर आप इस सोफे के नीचे क्या कर रहे हैं? तो आपके इंस्पेक्टर ने कहा था नीचे लेटे रहना, वरना गोली लग सकती है। इजी हो जाए, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। आ जाइए बाहर। टाइम पर पहुंच गई, आकिफ मेरा इंतजार कर रहा होगा। ओए मौला बख्श, ओ मौला बख्श, उठ, हर वक्त ड्यूटी ना करता रहा कर। वो देख पागल फैन आ गई। यहां तो कोई नजर ही नहीं आ रहा। Staff, follow me. खबरदार कोई हरकत की तो। हाँ।
दिलशाद तू? हम तो समझे थे क्रेजी फैन है जो आकफ असलम को मिलने आ रही है। मास्टर भाई ब्लड देकर आ गई तुम? आप भी यहाँ? कोई क्रेजी फैन आकिफ को 3 बजे मिलने आ रही है, उसे पकड़ने आए हैं। हैं? खुद ही बुलाकर आकिफ खुद ही पकड़वा रहा है? नहीं, मेरा मतलब है वो आकिफ ने खुद ही बुलाया होगा उसे। हाँ, उसे पकड़वाने के लिए बुलाया। मगर मैंने उसका क्या बिगाड़ा है? मेरा मतलब है उस फैन ने आकिफ असलम का क्या बिगाड़ा? उसने आकिफ असलम को मारने की धमकी दी है। मैंने तो कोई धमकी नहीं दी। मेरा मतलब है उसने कोई धमकी नहीं दी होगी। वो उसका फोन आया है। हाँ, आकिफ असलम, मैं वो फैन नहीं हूँ। वो आकिफ साहब, एक ऑटोग्राफ प्लीज। इजी नहीं लेना मुझे। इजी तो कभी मैंने खुद को नहीं लिया। क्या कहा है उसने? उसने धमकी दिया, अगर मैं उसका ना हुआ तो मुझे किसी और का भी नहीं होने देगी। आप झूठ बोल रहे हैं, मैंने तो नहीं कहा। मेरा मतलब है, ओहो, सकता है उसने झूठ बोला हो, और फिर मैंने तो फोन भी नहीं किया। मेरा मतलब है उसने फोन नहीं किया होगा। तू ब्लड देकर आई है या दिमाग देकर आई? उल्टी सीधी बातें मत करो। आकिफ जी, एक सेल्फी प्लीज। मुझे जान की धमकी मिल रही है, आपको तस्वीर की पड़ी है। ये मुजरिम भी एक्टरों की तरह कभी टाइम पर नहीं आते। 3 बजे का टाइम था, 5 बज गए हैं। पता नहीं कब आएगी क्रेजी फैन। किसी को बताना नहीं, वो 3 बजे क्रेजी फैन ने नहीं आना। क्यों? क्योंकि वो क्रेजी फैन मैं ही थी। क्या? अगर आज सच्ची साहबा को पता चल गया ना तो तेरी नौकरी गई। और मौला बख्श? हाँ जी। वो डब्बा चल नहीं रहा। और तू खून देकर आई है, तेरा दिमाग चल रहा है। मौला बख्श, ओ देख डब्बा चल रहा है। और तेरा वहम है, डब्बा नहीं चल रहा। और मौला बख्श? हाँ जी। और ये डब्बा चल कैसे सकता है? तेरी साइंस अच्छी नहीं है, वरना तुम्हें पता होता कि डब्बा कशिश शक्ल की वजह से चल रहा है। हाँ? ये कहाँ गया? चल के सच्ची को बताते हैं। खबरदार, हरकत की तो गोली मार दूंगा। ये डिब्बे को गोलियां क्यों मार रहे हो? ये चल कर आया जी, इसके अंदर कोई है। क्या है? ये डिब्बा ही चलता है, तुम्हारा दिमाग नहीं चलता। तुम मुझे ना मिली तो मैं खुद को मार लूंगी, सबको मार दूंगी। बताओ मुझे, मोहब्बत करते हो मुझसे? हाँ, बैठो तुम। बिल्कुल करता हूँ, मेरी बात सुनो। मैंने उसे पकड़ लिया है, मैंने उसे पकड़ लिया। एसएचई साहिबा, एसएचई साहिबा। वो अंदर आ गई है, वो क्रेजी फैन, चाकू है उसके हाथ में, वो पागल है। हैं? लेकिन दिलशाद तो अच्छी नहीं है। वो क्रेजी फैन का कह रहा है। मैं भी उसी का कह रहा हूँ। तुम जानते हो उस क्रेजी फैन को? हाँ जी। नहीं जी, वो तो जी वो। अपने आप को कानून के हवाले कर दो वरना गोली मार दी जाएगी। मैं 10 तक काउंट करूंगी। 1, 2। दिलजात। अच्छा जी साहब, गोली ना चलाना। दिलजात। 3। दिलजात आ जाओ। 4। मौला बख्श, क्या है? आप यहाँ? तो अंदर कौन है क्रेजी फैन? क्या कोई और भी फैन है? मैं हूँ बाजी राव मस्तानी, मजलूमों के लिए बाजी, जालिमों के लिए राव। वैसे मैं बड़ी मस्तानी हूँ। वैसे तो मैं भी आपकी क्रेजी फैन हूँ। क्या? एसएचई साहिबा।